भगवानपुर के बिस्टान क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को मोबाइल सिखाने, ऐप डाउनलोड करने के लिए अधिकारी 35 किलोमीटर दूर गोगांव बुलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की परेशानी यह है कि इन्हें 3 माह से मानदेय नहीं मिला है। सार्वजनिक परिवहन यानी यात्री बस बंद है। किसी निजी वाहन से करीब 70 किलोमीटर जाएंगी तो 200 से 300 रुपये खर्च हो जाएंगे और मोबाइल सरकार ने नहीं दिया। भारतीय मजदूर संघ से संबंध के संगठन आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ गुरुवार को जिला प्रशासन से इस समस्या के निराकरण की मांग करेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो हमारे पास साधन नहीं है, बसें उपलब्ध नहीं है और उसके बाद हमको खुद 45 से 46 किलोमीटर दूर पड़ रहा है और तेरे प्राइवेट साधन से आओ और हमको 4 महीने से मानदेय नहीं मिला है। घर चलाना मुश्किल है। सेक्टर वाइज से प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह सबसे बड़ी बात यह है कि हमको पहले मोबाइल उपलब्ध करा जाए। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा मानदेय समय समय पे डले और प्रशिक्षण जैसी चीज़ें। बहुत सी बहनें हमारी ऐसी हैं जो पहली दूसरी पांचवी पड़ी हुई है तो मोबाइल चला नहीं सकती, प्रशिक्षण कैसे प्राप्त करेंगे। पांचवी पढ़ी लिखी हूँ और मोबाइल का ज्ञान मेरे को नहीं है। क्या नाम आपका? आशा अमोदे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की प्रदेश मंत्री। मैं मेरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों की जो समस्या आ रही है मोबाइल प्रशिक्षण लेने में, तो मैं डीपीओ मैडम से आग्रह करूँगी कि वो हमें सेक्टर वाइज प्रशिक्षण दे और हमारा मानदेय सही समय पे जमा किया जाए, जो कि हमें अभी परेशानी आ रही है। 3 माह हो गए हैं। थैंक यू।